Be strong. नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक ऐसे स्टॉक को लेकर आया हूं जो कि आपके पोर्टफोलियो को लगातार इंक्रीज करता रहेगा, आपके पैसे की वैल्यू को बढ़ाएगा, आपके मनी को दोस्तों बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। ये देखिए, मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं आपके पैसे को किसी तरीके से बढ़ा सकूं और आपके जो भी आपकी इनकम को किस तरीके से मैं बढ़ाने की कोशिश कर सकूं, ये मेरा उद्देश्य रहता है। क्योंकि अगर आपका इनकम बढ़ती है तो मेरा उससे बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि दोस्तों एक खुशी मेरे को मिलेगी। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हाँ दोस्तों, शुरुआत करने से पहले एक चीज़ कहूँगा कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे और मेरी जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि कोई भी नया वीडियो आता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। और दोस्तों, जो भी लोग अपने पैसे को इंक्रीज करना चाहते हैं उन लोगों के पास शेयर भी करिएगा। दोस्तों चलिए चलते हैं, जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों ये आज के डेट में देखा जाए तो 273 रुपये का शेयर है, बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत का नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक चीज़ मैं और दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम इसके मैक्सिमम के चार्ट को देखा जाए तो ये देखने को मिलता है कि ये स्टार्टिंग हुई थी इसकी 2006 से स्टार्टिंग हुआ, ये 92 रुपये पे ये स्टार्ट हुआ था और वहाँ से आज 273 रुपये पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ आपको 196% का अब पिछले करीब 16 सालों में आपको 196% का रिटर्न ऑल टाइम दे चुका है। 196% अच्छा रिटर्न दिया आपको निकाल के इसने। तो यहाँ हमें देखने को, अगर इसके चार्ट को भी हम देखते हैं तो देखिए इसका चार्ट किस प्रकार से लगातार एक करीब करीब 30 डिग्री से ऊपर का एंगल बना रहा है। दोस्तों यहाँ हम इसके चार्ट को यहाँ देखा जाए तो एक 30 डिग्री का एंगल से, मतलब 35-40 के बीच का एंगल बनाता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक ये चीज़ देखने को मिलती है कि अगर हम इसमें अपना पैसा लगाते हैं तो हमारा पैसे के लॉन्ग टाइम में भी इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बने रहेंगे। क्योंकि जिस प्रोडक्ट को कंपनी मैन्युफैक्चर करती है या बनाती है, या ये दोस्तों बनाती क्या है, ये एक माइनिंग कंपनी है, हिंदुस्तान जिंक के नाम से इसको जानते हैं, और ये वेदांता ग्रुप की कंपनी है। दोस्तों चलिए दोस्तों इसके फंडामेंटल जान लेते हैं, फंडामेंटल किस प्रकार से रहे हैं, क्योंकि अगर हम फंडामेंटल जानते हैं तो हमारे लिए इन्वेस्ट करने में एक बहुत अच्छी मदद मिलती है। चलिए देखिए, 271 रुपये पे ये ओपन हुआ था, प्रीवियस क्लोज इसका 267.75 रुपये का प्रीवियस क्लोज रहा है, 321 रुपये की अपर सर्किट लिमिट रही है। देखिए दोस्तों यहाँ अपर सर्किट लिमिट और जो इस समय बना हुआ है उसके बीच का काफ़ी अंतर, 50 रुपये का अंतर हमें देखने को मिल रहा है। और ये लोअर सर्किट लिमिट इसकी 214 रुपये की रही है। अगर हम 214 रुपये, अगर 52 वीक में अगर हम 214 रुपये पे देख के ख़रीदा होता तो आज अच्छा खासा मुनाफा अभी भी ले रहे होते हैं। वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम 780,303 का वॉल्यूम है, BWAP 270 और मार्केट कैप 114,780 करोड़ का मार्केट कैप है। दोस्तों इसका मार्केट कैप बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। 20-day एवरेज वॉल्यूम की बात की जाए तो 5,76,886 का 20-day एवरेज वॉल्यूम रहा है। 20-day एवरेज डिलीवरी
241873 की रही है बेटा, 0.75 का है दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ हमें ये देखने को मिलती है कि मार्केट कैप बहुत अच्छा है दोस्तों। अगर ये हम देखें तो ये मीडियम कैप से ऊपर ही है, लार्ज कैप में आती है दोस्तों कंपनी। यहाँ ये एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है और हमने चार्ट आपको दिखाई दिया है, चार्ट लगातार इंक्रीज कर रहा है और आपके इन्वेस्टिंग को ये बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। इसकी फेस वैल्यू की बात की जाए तो फेस वैल्यू 2 रुपये की है और अर्निंग पर शेयर इसका 22.79 रुपये का इसका अर्निंग पर शेयर है और पी रेशियो 11.92 का है। बहुत ज़्यादा पी रेशियो नहीं है, ठीक है पी रेशियो और बहुत कम भी नहीं है दोस्तों, लेकिन 7-8 का पी रेशियो होना ठीक रहता है, लेकिन ठीक है पी रेशियो ठीक है। और सेक्टर पी की बात की जाए तो सेक्टर पी और पी रेशियो लगभग सेम ही आ रहे हैं। यहाँ एक चीज़ ये देखने को मिल रही है, सेक्टर पी और पी रेशियो लगभग सेम आ रहे हैं। बुक वैल्यू पर शेयर अगर देखा जाए तो 81.13 रुपये की बुक वैल्यू शेयर है और 3.35 रुपये का पीवी है। डिविडेंड यील्ड इसका देखिए, कंपनी डिविडेंड अच्छा देती है, 6.63 का डिविडेंड है कंपनी ने दोस्तों। 21 रुपये पर इक्विटी शेयर का इसमें डिविडेंड अभी अनाउंस किया है जो कि आपको 20 जुलाई में देखने को मिलेगा। पीसी 9.15 का है दोस्तों। अगर दोस्तों 3 साल के प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो प्राइस परफॉर्मेंस 3 साल में किस प्रकार से रही है, 1 वीक का देखा जाए तो 9.96% की इसमें राइज किया है और 1 महीने में 3.17% इसने गिरावट दिखाई है। वहीं अगर 3 महीने की बात की जाए तो 3 महीने में 22.93% की इसने गिरावट दिखाई है। अगर इस साल के जनवरी से अब तक की बात की जाए तो 14.25% की गिरावट दिखाई है और 1 साल में 18.87% की इसने गिरावट दिखाई है दोस्तों। यहाँ 1 साल में 18.87% लगभग मान लीजिए कि 20% इसको आप नीचे गिरा हुआ देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके खरीदने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। और थोड़ा सा और गिरे तो और इसको ख़रीद लीजिए, थोड़ा थोड़ा पैसा करके लगाइए, लेकिन इसमें आपका पैसा बनेगा ही बनेगा दोस्तों, ये निश्चित है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी रखते हैं तो आपका पैसा बनता रहेगा। देखिए 3 साल की बात की जाए तो 19.22% की इसने राइज किया है और ऊपर गया दोस्तों। अगर दोस्तों कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात की जाए, कम्युनिटी सेंटीमेंट किस प्रकार से रहा है तो यहाँ हमें देख रहे हैं कि हमारे पास ये देखने को मिलता है 100% केस में बाइंग देखने को मिलती है और सेलिंग 0%, होल्डिंग 0% देखने को मिल रही है दोस्तों। कंपनी के फाइनेंशियल जान लेते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल किस प्रकार से हैं। देखिए यहाँ पे हम 2018 को देखें तो 2018 में इसने 22,084 करोड़ का इसने रेवेन्यू दिखाया है और 21,118 करोड़ का 2019 में रेवेन्यू दिखाया है, 18,561 करोड़ का रेवेन्यू इसने 2020 में और 2021 में 22,629 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला। वहीं अगर इसके 2022 की बात की जाए तो 29,440 का रेवेन्यू देखने को मिलता है, तो रेवेन्यू बहुत अच्छा खासा है और लगातार इसका रेवेन्यू थोड़ा यहाँ 2020 में घटा था लेकिन 2022 को आते आते इसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, 10,000 करोड़ से ऊपर रेवेन्यू इंक्रीज किया। अगर दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात की जाए, नेट प्रॉफिट किस प्रकार से रहा है कंपनी का, नेट प्रॉफिट देखिए 9,276 करोड़ का नेट प्रॉफिट 2018 में देखने को मिल रहा था, वहीं 2019 में थोड़ा इसका नेट प्रॉफिट घटा, करीब 1,000-1,500 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसमें घट के 7,956 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला, वहीं 2020 में 6,800 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला जो कि 1,500 करोड़ करीब फिर घट गया। और वहीं
अगर 21 में जाते हैं तो 7,980 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसमें देखने को मिलता है, जो कि 2019 के लगभग बराबर हो जाता है। 2022 आते आते आपको 9,630 करोड़ का रेवेन्यू वो नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ प्रॉफिट की तो कमी नहीं हो रही है दोस्तों, इस शेयर में प्रॉफिट लगातार पिछले 5 साल में हमें देखने को मिला ही मिला है। अगर दोस्तों अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो अर्निंग पर शेयर देखिए 2018 से 2020 तक आते आते 16 रुपये का अर्निंग पर शेयर था, वहीं अगर 2022 की बात की जाए तो 22.79 रुपये का अर्निंग पर शेयर 2022 आते आते हो गया है। तो यहाँ अर्निंग पर शेयर 2020 तक घटा था 2018 से, और 2022 में आते हुए करीब 23 रुपये के लगभग अर्निंग पर शेयर पहुंचा है। दोस्तों यहाँ पे अर्निंग पर शेयर लगातार इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों बुक वैल्यू पर शेयर की बात की जाए तो बुक वैल्यू पर शेयर किस प्रकार से रही है, बुक वैल्यू पर शेयर में आप देख रहे हैं कि यहाँ 2018 से हमें ये थोड़ा सा देखने को मिल रही थी कि चढ़ी है 95.41 रुपये की बुक वैल्यू पर शेयर हुई थी, लेकिन 2022 आते आते ये थोड़ी सी गिरावट आई है, 81.14 रुपये की अर्निंग पर शेयर हो गई, बुक वैल्यू पर शेयर हो गई है दोस्तों। तो यहाँ इसमें बुक वैल्यू पर शेयर में गिरावट आई है, ये थोड़ा सा चिंता का विषय बनी हुई है। देखिए एक चीज़, रिटर्न ऑन इक्विटी का बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे इन्वेस्टिंग को बढ़ाने में, और तो यहाँ अगर हम देखते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी 2018 से 2020 तक 16.88 की रही थी, वहीं 2022 में देखा जाए तो ये यहाँ से 20 से 2022 में 28 रुपये की रिटर्न ऑन इक्विटी आ गई है दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी हुई है। देखिए दोस्तों अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात कर ली जाए, शेयर होल्डिंग पैटर्न किस प्रकार का है। अगर प्रमोटर को देखा जाए तो देखिए प्रमोटर की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, 64.92% की पोस्ट प्रमोटर की हिस्सेदारी है, 1.76% इसमें अदर पब्लिक का बना है, केवल पब्लिक बहुत इसमें कम है दोस्तों, पब्लिक कम देखने को मिलती है, और वही DII 79% का DII का हिस्सा है, और FII का 0.79 का है, और DII का 32.53% का % का हिस्सा इसमें DII को देखने को मिल रहा है। इसमें देखिए डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, प्रमोटर बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, पब्लिक इसमें मुझे लग रहा है कि इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसमें पब्लिक बहुत ही या तो इसको इस शेयर के बारे में ज़्यादा पता नहीं है पब्लिक को। चलिए दोस्तों आगे इसकी जानकारी और देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है कि इसके 86% से ज़्यादा शेयर इस पर प्लेज हो रहे हैं, और इसने गिरवी रख दिए हैं 86% से ज़्यादा शेयरों को इसने यहाँ पे देखिए गिरवी रख रखा है। तो यहाँ एक सोच समझ के पैसा लगाने की बात बन जाती है कि थोड़ा सा हम इसमें अगर हमारे पास 1 रुपया है तो इसमें केवल 10 से 20 पैसा तक ही लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा मत लगाइएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे प्लेज हो रहे हैं इसकी शेयर्स, तो वैसे तो प्रॉफिट दिखा रही है कंपनी और लगातार प्रॉफिट बनाएगी, लेकिन यहाँ पे 86% इसके प्लेजिंग में हैं शेयर दोस्तों। कंपनी के नाम की बात की जाए तो कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक LLD, कंपनी का नाम है, जिनका कारोबार करती है कंपनी, और आपको NSE का शेयर यहाँ देखने को मिलता है, ये NSE का स्टॉक है, आपको यहाँ चिंता करने की बात ये नहीं है कि BSE का है, कि छोटा पेनी स्टॉक तो है नहीं, और मार्केट कैप भी बहुत अच्छा है दोस्तों।
नॉन फेरस मेटल सेक्टर का ये शेयर है। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर भी करिए। दोस्तों देखिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जिससे कि कोई भी अगर नया वीडियो आता है तो आपकी नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। दोस्तों मेरा एक उद्देश्य रहता है कि मैं आपका कैसे भी प्रॉफिट करा सकूँ। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, एक अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।